अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एडवांस फिल्टर के बारे में। हमारे पास दो किस्म के फिल्टर हैं, एक हमारे पास सिंपल या फिक्स्ड फिल्टर हैं जिसके ज़रिए से हम डाटा को फिल्टराइज करके कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, जबकि एडवांस फिल्टर के ज़रिए से हम डाटा को डायरेक्टली फिल्टराइज कर सकते हैं, एक शीट से दूसरी शीट में, तीसरी शीट में, मल्टीपल शीट में हम डेटा को अलग कर सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी कॉपी या पेस्ट के। हमने सिर्फ क्राइटेरिया को अलग करना है और उसी क्राइटेरिया का डेटा हम इजीली अलग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। मेरे पास एक टेबल है जिससे मैंने सबसे पहले अलग करना है रीजन, रीजन वाइज अलग कर सकते हैं, डेट वाइज अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रीजन, मैं कोई भी रीजन लिखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे रीजन हैं, इधर मैं लिखता हूँ शक्कर। अब इस शक्कर वाले रीजन के लिए हमने क्या करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने जाना है डेटा पे, और डेटा पे जाके डेटा टैब के अंदर हमारे पास है एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है, लिस्ट रेंज देना है, पहला ऑप्शन है लिस्ट रेंज, ये ऑटोमेटिकली मेरा डेटा सेलेक्ट है, लेकिन यहाँ से हमने लिस्ट रेंज दूसरी शीट से लेके आनी है, कॉपी टू इन अदर लोकेशन पे क्लिक करना है, दूसरी शीट पे जाना है जहाँ से हमने रीजन उठाने हैं, ये पूरा टेबल जहाँ से हमने रीजन को अलग करना है इसको पूरा सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया भी जब हम क्लिक करते हैं वापस जाते हैं अपनी शीट पे, तो इसको हम हटा देते हैं और ये जो रीजन और जिसका नाम लिखा है इसको पूरा सेलेक्ट करना है। कॉपी टू में यानी इस शीट के अंदर किसी भी सेल के अंदर कर्सर को छोड़ दें और ओके कर दें, तो आपको रीजन का, फॉर एग्ज़ाम्पल शक्कर रीजन मैंने दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ शक्कर रीजन के सारा डिटेल आ गया, जितने भी सेल्स मैंने शक्कर में, जितने भी सेल्स मैंने काम किया है, तो वो सारा एक ही क्राइटेरिया के अंदर अलग हो गया, सेपरेट हो गया। इसी तरह दूसरे रीजन का भी आप अलग कर सकते हैं, मैंने हैदराबाद लिखा और इस पूरी को सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा हम डेटा पे जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे, लिस्ट रेंज हम दोबारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना ऑलरेडी सेलेक्ट भी हैं, लेकिन मैं दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ। जाना है अपनी शीट पर, इस शीट को पूरा सेलेक्ट करना है। एक बात जहन में रखें कि जहाँ से भी आपने डेटा को फिल्टर करना है उसका टाइटल भी साथ में सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया पे क्लिक करके वापस आ जाएंगे अपनी शीट पे, क्राइटेरिया में रीजन और रीजन का नेम सेलेक्ट करना है पूरा, और कॉपी टू इसको सेलेक्ट करना है, हमने कहाँ पे कॉपी करना है इस क्राइटेरिया को, कॉपी टू वाला सेल पे क्लिक करके यहाँ किसी भी सेल पे क्लिक कर दें और ओके कर दें, उसी सेल से हमारा डेटा शुरू हो जाएगा और यहाँ अलग हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हैदराबाद के रीजन अलग हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं लेकिन हमने फिल्टर लगाया हैदराबाद और शक्कर के ऊपर, तो शक्कर और हैदराबाद के पूरा डेटा, सेल्स डेटा अलग हो गया। नेक्स्ट फिल्टर हम लगाएंगे डेट के बारे में। यहाँ पे मैं 7/9/2012 से नीचे जितने भी डेट हैं, यानी लेस देन 7/9/2012, इसके लिए मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ कि इससे नीचे जितने भी डेट हैं वो यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए भी सेम तरीके हैं, डेटा पे जाना है, एडवांस फिल्टर पे, लेस्ट रेंज हमने मास्टर जो शीट है, जो बड़े शीट है, वही पूरा सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट करना है, और क्राइटेरिया में जो क्राइटेरिया हमने दिए हैं लेस देन 7/9/2012 वो देंगे। जब क्राइटेरिया पे क्लिक कर देंगे वापस अपने पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है डेट लेस देन 7/9/2012। कॉपी टू को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस शीट के अंदर कहीं भी क्लिक कर दे, ओके कर दे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा 7/9/2012 से नीचे जितने भी डेट का डाटा है वो यहाँ पे आया है। यहाँ पे एक काम करता हूँ आसानी के लिए, LDFF के साथ फिल्टर लगाया, और यहाँ से आप देख सकते हैं जून एंड जुलाई का डाटा फिल्टर हो चुका है, और इससे ऊपर वाला डाटा, इससे
आगे वाला डाटा यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं बड़े शीट में, मास्टर शीट में, वहाँ पे भी चेक करते हैं कि मज़ीद डेट हैं हमारे पास या जून और जुलाई हैं। यहाँ पे डेट के अंदर क्लिक करके फिल्टर लगाएंगे अल्ट DFF, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सितंबर अक्टूबर यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। तो डेट को भी हम इक्वल डेट, ग्रेटर देन या लेस देन के ज़रिए से हम डेट को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स मैन। अगर आप चाहते हैं कि इस शीट के अंदर बहुत सारे सेल्स मैन हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपको चाहिए सिर्फ एक सेल्स मैन का पूरा डाटा, तो आपने क्या करना है, इस FSO या सेल्स मैन के साथ उस सेल्स मैन का नाम लिखना है, और यहाँ मास्टर शीट से पूरा डाटा, जितना भी सेल किया है उसने, जितने विज़िट किए हैं, पूरा का पूरा इस मास्टर शीट से अलग होके यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूँ इमरान, और इसके लिए भी हम एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। लिस्ट रेंज में हमने जो मास्टर शीट है, बड़ा शीट है, वो पूरा टाइटल समेत सेलेक्ट करना है, और यहाँ क्राइटेरिया रेंज में हमने FSO नेम या सेल्स मैन का नेम सेलेक्ट करना है। कॉपी टू के लिए हमने जिस जगह पे इसको पेस्ट करना है वो जगह सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें। यहाँ पे FSO नेम इमरान का जितना भी डाटा है, पूरा का पूरा, पूरे साल का डाटा या 4 साल का डाटा यहाँ पे आ सकता है, 10 साल का डाटा आप अलग कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक के साथ। तो एडवांस फिल्टर के ज़रिए से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल स्टेप में। हमने लिस्ट रेंज सेलेक्ट करना है और क्राइटेरिया देना है। कॉपी टू, सेम शीट में भी हम डाटा को अलग कर सकते हैं, लेकिन इधर डाटा बड़ा है, इस वजह से मैंने दूसरी शीट में सारे फिल्टर यूज़ किए हैं। और यहाँ पे इस शीट में मैंने नॉर्मल टेबल या फिक्स टेबल के साथ इमरान का डाटा अलग किया। अगर यहाँ से इमरान का डाटा आपने कॉपी करना है तो आपने टाइटल को कॉपी नहीं करना, अदरवाइज़ पूरा डाटा टाइटल समेत चला जाएगा। तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर आपने सिंपल फिल्टर के साथ डाटा अलग करना है तो उसके साथ टाइटल को आपने कॉपी नहीं करनी, तब आप किसी डेटा को अलग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।